डेफिनेटली गलत कदम है अंदर की बात कोई बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुंबई पुलिस पर माँ ने अपनी बेटी को खोया है अपार्ट फ्रॉम दिस तुनिशा शर्मा की जिस तरीके से मौत हुई है उसमें क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज उनका बर्थडे भी है तो किस तरीके से उन्हें याद करेंगे आप वेरी फ्रेंकली मैं एक एक्ट्रेस हूँ मुझे 21 साल हो गए इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि मुझे किसी के इमोशंस के बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए कि वो कैसी लड़की है या कैसी नहीं है और उसने जो कदम उठाया बट डेफिनेटली गलत कदम है और इस वजह से काफ़ी परेशानियां भी हो रही है परिवार को भी लड़के के परिवार को भी लेकिन अंदर की बात कोई बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है आई थिंक पुलिस इज़ डूइंग देयर बेस्ट और मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुंबई पुलिस पर क्योंकि हमेशा ऐसे केसेस एक लीगल तरीके से जाए वो बेटर है क्योंकि आपका वर्जन अलग रहेगा मेरा वर्जन अलग रहेगा लेकिन सही वर्जन पुलिस ही दे पाएगी क्योंकि वारदात के वक्त मतलब उन्होंने अपने हाथों में ये जिम्मेदारी उठाई है और मुझे बस उन पर पूरा यकीन है जिस तरीके से आरोपी तुनिशा की माँ बता रही है सिजान खान को और सिजान खान की जो फैमिली है और सिजान खान है वो तनिशा की माँ को ही आरोप माँ पे ही आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे कुछ एक्चुअली इस पर ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि मैं किसी के इमोशंस को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ uh, एक अफकोर्स uh, डेफिनेटली एक माँ ने अपनी बेटी को खोया है तो वो इमोशंस हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं लेकिन uh, उसने जो किया क्यों किया अब आरोपी ने क्या किया क्यों नहीं किया उस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं उस इंसिडेंस में थी भी नहीं लेकिन एज आई सेड कि मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा विश्वास है मुझे सरकार पर पूरा विश्वास है तो डेफिनेटली कोई अच्छा आउटकम ही आएगा मैम ऑडियंस को और उनके फैंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी जिस तरीके से इस तरीके से घटनाएं हमें देखने को मिलती है। Uh, मैं डेफिनेटली यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगी मैंने बहुत सारे शोज़ किए मुझे इक्कीस साल हो गया इस इंडस्ट्री में लेकिन मैं ओवरनाइट कोई स्टार नहीं बनी अभी भी मतलब हमारे लिए हर एक प्रोजेक्ट एक स्ट्रगल ही है एक तरीके से हम लोग अपना काम करते हैं वो हिट जाए वो फ्लॉप जाए वो हमारे हाथ में है नहीं लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है लेकिन मैं इतना कहूँगी जब यूथ आते हैं दूसरे प्रदेशों से जैसे छोटे टाउन से छोटे सिटीज से एक ड्रीम लेकर आते हैं बॉम्बे तो आपको पता ही है सिटी ऑफ ड्रीम्स कहलाया जाता है और ये एक माया नगरी भी है तो अगर आप यहाँ पर गुम हो जाओगे तो यहाँ पर आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन आप अगर अपने आप को अच्छे से जोड़ लेते हो अच्छे से आप जिस गोल के लिए जिस मुकाम के लिए यहाँ पर आए हो आप उस पर ध्यान दो बहुत सारे यूथ यू नो अपने माँ बाप से पैसे लेकर आते हैं बहुत बहुत एक स्ट्रगल लाइफ जीते हैं एक एक कमरे में छः छः सात सात लड़कियाँ रहती है या उससे भी ज़्यादा रहती है लेकिन उनको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी लाइफ उनके हाथ में है अपनी लाइफ को किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बस काम करते रहो आप ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्शन हाउस में आपको काम नहीं मिलता तो किसी और ने नहीं कोई और नहीं लेगा डेफिनेटली आपको वो ट्राई करते ही रहना पड़ता है थैंक यू